एक एक करके टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बना बता, 2v sin थीटा बाई जी। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या बना, वेरी गुड। एंड रेंज इज, ठीक है, एक सवाल करके दिखाएं मुझे। क्वेश्चन है, आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है विद 10 मीटर पर सेकेंड, जो आपकी वेलोसिटी है प्रोजेक्शन की वो 10 मीटर पर सेकेंड है और जो एंगल है वो 30 डिग्री है। फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स एंड रेंज निकालिए। जी आप 10 ले लें, यूज मैग्नीट्यूड ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका टाइम आया है 1 सेकेंड, बाकी सब लोग भी देख, हाँ जी 1 सेकेंड है, ठीक है। हमने यहाँ पे जी नेगेटिव ले लिया है ऑलरेडी पहले फॉर्मूले में, आपको मैग्नीट्यूड पुट करना है। हाँ जी, एच मैक्स इज 5/4 मीटर, रेंज बेटा 5√3, रेंज बता रहे हैं 5√3 आ रही है, सात 10√3 आ रही है। चेक करते हैं। टाइम तो निकालने के लिए आप सिंपली क्या यूज करेंगे, t = 2 × 10 sin 30 is ½/10, तो ये तो आ गया 1 सेकेंड। एच मैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वी स्क्वायर, वी इज 10, सो आ गया साइन थीटा इज हाफ का स्क्वायर 2 × 10। सिंप्लीफाई कर लें, सो 2 × 10 = 4, ये गया 5 आ गया, 5/4 मीटर। लास्ट आपका रेंज, रेंज इज वी स्क्वायर इज 100/10, यहाँ पे जाएगा आपका थीटा 30 डिग्री, का डबल हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 इज √3/ तो 5√3 आएगा आपका आंसर, ठीक है। हाँ जी, आपने लिख लिया, क्या लिख लिया, हाँ 2 sin थीटा cos थीटा आपने रख लिया। उसके बाद देखते हैं, इसकी जगह आपने ये रखा है, साथ में वी स्क्वायर है अपॉन जी है, वी स्क्वायर इज 100 × 2, साइन 30 डिग्री इज हाफ, cos 30 इज बाय 2/10, 5√3, ठीक है, नोट डाउन कर लें। देखो साइन स्क्वायर, देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब है साइन थीटा का स्क्वायर, एंड साइन 30 डिग्री इज हाफ, हाफ का स्क्वायर इज 1/4, ठीक है।
हाँ ये बेसिक मैथ्स का पार्ट है, अगर आपको नहीं पता तो साइन स्क्वेयर थीटा, तो आप साइन थीटा का होल स्क्वेयर होता है ये, तो आप थीटा की पहले वैल्यू पुट करते हैं, 30 डिग्री है तो साइन 30 हाफ बना, हाफ का स्क्वेयर 1/4 बना। चले आगे, ये जो आपने तीन फॉर्मूले बनाए हैं इनको एक और तरीका है लिखने का, 2v sin थीटा बाय g h max इक्वल टू v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g v स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। स्टार्टिंग में देखें, एक तो ये हो सकता है कि आपने जिस वेलोसिटी से फेंका और जिस एंगल पर फेंका उसके कंपोनेंट ब्रेक कर लिए। इसके अलावा अगर आपको ये बता दिया जाए डायरेक्टली कि स्टार्टिंग में जो भी वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट वी एक्स है और वाई कंपोनेंट वी वाई है स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी का, तो तब भी आप आंसर निकाल सकते हैं क्या? देखो हमने क्या किया, अभी जो केस किया उसमें क्या दिया था, वी और थीटा दिया था। आपने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लिया, वी कोस थीटा, वी साइन थीटा, उनसे डिराइव किया आपके फॉर्मूले। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ पहले ही कि अब मैंने वी और थीटा नहीं दिया, डायरेक्टली आपको वी एक्स और वी वाई दिया है। अगर वी एक्स और वी वाई दिया है, अब आप निकालिए टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स एंड रेंज। तरीका क्या है, सिंपली वही, आप अपने मोशन को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक्स में वाई में। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज वी एक्स, मतलब यहाँ पे यू एक्स है वो वी एक्स दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे वी वाई। एक्सेलरेशन ए एक्स इज जीरो, एक्सेलरेशन ए वाई इज माइनस जी। इनको यूज करके आप अब निकालें टी एच मैक्स एंड आर करेंट राइट। ना टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है आपने जो निकाला है वो हाफ टाइम है, ऊपर तक जाने का टाइम है। हाँ फिर पूरा हाँ जी, मैं कह रहा हूँ डिराइव करो। टाइम कम्स आउट टू बी 2vy बाय जी। ठीक है जी, एच मैक्स निकालें, vy बाय 2g। नहीं गलत है, हाँ vy स्क्वायर अपॉन 2g। एच मैक्स आर कितना आता है, हाँ जी नहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वैसे तो आप सिंपली आप इन फॉर्मूले में मत रटो, यहां से डिराइव करो ना सीधे सीधे। आप चीजों को सिंपल रखो, याद नहीं करना, समझना है। समझने का मतलब ये है कि अगर पार्टिकल आपका x डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अगर 2 सेकेंड तक मूव किया तो कितना चलेगा, अगर 5 मीटर पर सेकंड से कोई चल रहा है और 2 सेकंड तक चला तो आपको डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करना है।
बताएं भाई ये आ गया सबका। रेंज के लिए आप क्या करते हैं, वी एक्स इंटू टाइम, टाइम ये आपका सिंपल है। हाँ जी आ गया, रेंज नहीं आई। रेंज में क्या करते हैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के साथ टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाई करते हैं। वी एक्स पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रखा है, मल्टीप्लाई कर देंगे वी एक्स इंटू टू वी बाई अपॉन जी, टू वी एक्स। हाँ 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 आप कुछ भी कर सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो इन तीन फॉर्मूलों के अलावा ये तीन फॉर्मूले आपको और याद रखने हैं। इट मीन्स टू वी वाई बाय जी, वी वाई स्क्वायर बाय टू जी, टू वी एक्स वी वाई अपॉन जी। ये छह फॉर्मूले आपके हो गए, और ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ एग्जैक्टली सही बना है ये। v साइन थीटा क्या था, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, उसकी जगह क्या आ गया v वाई। यहाँ पे v साइन थीटा का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है, तो v वाई का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे आप इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो बनेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और साथ में एक एक v आपका आ जाएगा, तो बनेगा 2 अलग से v साइन थीटा इंटू v कोस थीटा, तो आपका 2 वी एक्स वी वाई अपॉन जी हो जाएगा। तनिष्ठ ठीक है, ये छः के छः फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए टिप्स पे। आगे देखें, अगर मैं आपको बोल दूं इस पर्टिकुलर केस में कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये छह फॉर्मूले लिख के आप इसको अलग से बनाएंगे, हेडिंग डाल लेंगे आप मैक्सिमम रेंज, ये हेडिंग डाल लेंगे, और आर को लिखेंगे आर इज वी स्क्वायर बाय साइन टू थीटा अपॉन जी। साइन वी स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, अगर वी कांस्टेंट है और आप थीटा वेरी कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, मैंने आपको एक कोई बॉल दे दी है, उस बॉल को फेंकना है, आपकी फेंकने की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है। सुन लें, आपकी वेलोसिटी आप 5 मीटर पर सेकंड से ही फेंक सकते हो उसको, बट एंगल आप वेरी कर सकते हो कि छोटे एंगल में फेंका, बड़े एंगल में फेंका, वो एंगल आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मेरे को निकालना है कि किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगी, है ना। आप उसको बोल को कितने एंगल पे फेंकेंगे कि रेंज मैक्सिमम हो जाए, कर सकते हैं, कुछ आइडिया लगा सकते हैं। वी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल बच गया ये साइन, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, वन, वन से ज़्यादा नहीं होगी। और वन किस एंगल पे होती है, 90 डिग्री पे। इसका मतलब साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है थीटा इक्वल टू साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, और उस केस में आपका थीटा 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे साइन टू थीटा है इस पर्टिकुलर केस में, ये जनरल बात बताई मैंने। अगर इस केस में ये वाला टर्म वेरिएबल है तो यहाँ पे 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो 2 थीटा की जगह जब 90 आएगा तभी साइन 90 बनेगा और तभी आपकी आर मैक्स आएगी, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर आप 5 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, 45 डिग्री के एंगल में फेंकेंगे, तो आपकी बॉल सबसे दूर जाके गिरेगी। जो लॉन्ग जंप के खिलाड़ी होते हैं, लॉन्ग जंप का खिलाड़ी भाग के आएगा और जब वो कूदेगा तो उस मोमेंट पे उसका एंगल 45 डिग्री बन गया तो सबसे दूर जाके गिरेगा। तो क्या लॉन्ग जंपिंग की जो प्रैक्टिस करते हैं, क्या उनको ये बात पता नहीं है क्या कि 45 पे कूदने पे मैक्सिमम दूर जाके गिरेंगे?
हाँ जी मार्च मानो स्पीड दो मेंटेन कर ली, दोनों दोनों कारण बराबर है, पर एक्चुअल में क्या है, ये थ्योरी है। अगर मैं आपको बोल दूंगी आपको 45 डिग्री पे कूदना है, तो एग्जैक्टली 45 पे हर बार कूदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना, इसलिए वो डिफिकल्ट है। बट हाँ 45 पे कूदोगे तो मैक्सिमम रेंज आएगी। आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया कि v इज 10 मीटर पर सेकेंड। आप एक बार मान लें थीटा 30 डिग्री और एक बार थीटा 45 डिग्री पे फेंका, दोनों केस में आप रेंज निकालें, रेंज R1 और रेंज R2, बताएं कितनी कितनी होगी। कहाँ पुट करेंगे? रेंज के जनरल फॉर्मूले में, एक बार थीटा 30 डिग्री और एक बार 45 डिग्री। टेन टेन हाँ, ये तो हमने निकाली थी 5√3, इसकी और निकालो 45 पे। कौन सा नंबर बड़ा है, 5√3 या 10? कैसे? हाँ, रूट थ्री की वैल्यू 2 से कम होती है ना, 1.7 होती है। यहाँ 5 × 2 है, यहाँ 5 × समथिंग विच इज लेसर देन 2 है, तो ये वाली चीज कम रहेगी किससे, 10 से। तो आपकी रेंज, आप चाहें तो डाउट है तो और एंगल्स भी लेके देख सकते हैं। एक और ले लो, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे निकालो, आर थ्री। माइनस तो नहीं आएगा, माइनस कैसे आया था ये बताओ, साइन 120 आपका आ गया 15, गलत है। आप बताएं, साइन 120 डिग्री पे आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया बताओ, क्या फॉर्मूला लगाया इसको निकालने के लिए, आप बताएं। नहीं, 30 डिग्री कैसे लगाया, वो फॉर्मूला क्या है, 90 + 30, मैंने सिर्फ 180 वाले बताए हैं। इसको आप लिख सकते हो साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 में से 60 गया, 120 ही बनेगा। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। कितना आ गया आपका, साइन 60√3/2 पुट करेंगे तो आपका 5√3 आएगा। अब देखें R1 और R3 बराबर आ रही है, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ आपने 30 डिग्री पे फेंका तो रेंज आई 5√3, आपने 60 डिग्री पे फेंका तो भी रेंज आई, और अगर आपने 45 डिग्री पे फेंका तो रेंज आएगी ज्यादा। तो अगला पार्ट हम इसी में देखेंगे कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा
और 90 माइनस थीटा विद हॉरिजॉन्टल, या आप कहेंगे रेंज इज सेम, रेंज इज सेम इन केस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा और 90 माइनस थीटा विद हॉरिजॉन्टल। देखिए क्या मतलब है, या तो आपका एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा हो या फिर 90 माइनस थीटा हो, दोनों केस में रेंज सेम होती है थीटा और 90 माइनस थीटा में। जैसे थीटा हुआ 30 डिग्री, अगर थीटा 30 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा कितना होगा 60 डिग्री, तो 30 और 60 पे आपकी रेंज बराबर रहेगी। आप बताएं अगर एंगल 20 डिग्री पे मैंने रेंज निकाल ली कुछ भी R1, तो किस और एंगल पे उतनी रेंज रहेगी 70 पे, थीटा 1 थीटा 2 70 पे आपकी रेंज सेम रहेगी, सेम रेंज रहेगी। ठीक है, कैसे इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, आपके पास रेंज का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये फॉर्मूला है। एक बार आपने थीटा पुट करना है, कर ही रखा है, हाँ एक बार 90 माइनस थीटा पुट करके देखें रेंज कितनी आई है, इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है ना। एक बार थीटा प्रूव कर दिया, थीटा रख दिया, एक बार 90 माइनस थीटा रखें और देखें रेंज सेम आती है क्या। ये रेंज थी एट थीटा, 90 माइनस थीटा पे आपकी रेंज वी स्क्वायर साइन 2 की जगह, 2 के साथ में थीटा की जगह 90 माइनस थीटा अपॉन जी। वी स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। आप बताएं साइन 180 माइनस समथिंग कितना होता है, हाँ साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा आ जाएगा, एग्जैक्टली वही बन जाएगा। तो ये डिराइव करना भी आ सकता है कि प्रूव दैट रेंज इज सेम एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो आप कैसे प्रूव करेंगे, एक बार थीटा रख देंगे, एक बार 90 माइनस थीटा रख देंगे और दोनों केस में आपका आपकी रेंज सेम आएगी। यहाँ भी वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, क्योंकि 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, नोट डाउन कर लें। ये लिख लिया था क्या, हाँ जी बच्चों लिख लिया था। पूछना है कुछ बेटा, इस वाले केस में आप मुझे बताएं थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज क्या है, सेम है, सेम रेंज है, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम रहेगा, एच मैक्स वेरी कर रहा है। अभी मैंने डायग्राम बनाया आपका, आपने डायग्राम बनाया था थीटा पे और 90 माइनस थीटा पे, आपका एच मैक्स भी अलग अलग है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग अलग होगा, क्योंकि अगर बॉल को ज़्यादा हाइट जाके आना है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसी केस में आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखें कितना है, 2v साइन थीटा बाय जी। अगर 90 माइनस थीटा पे पुट करेंगे तो आपका टी हो जाएगा 2v साइन
90 माइनस थीटा अपॉन जी। साइन 90 माइनस थीटा का हमने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया है, होता तो है, हमने कोई याद नहीं किया है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो आप वैल्यू पुट करके देख लें, थीटा 30 डिग्री माने तो बताएं टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा इस साइड और इस साइड। इफ थीटा इज 30 डिग्री आप बताएं ये टाइम कितना आएगा और ये टाइम कितना आएगा। हाँ जी, वी वी मान लो, वी को कुछ लेना, वी और जी को ऐसे कैसा रखो, बस आप साइन की वैल्यू पुट करो। साइन 30 डिग्री हाफ हाफ से कटेगा तो ये वी बाय जी आ गया। यहाँ बताएं ये टी वन हो गया, टी टू कितना आएगा, सिक्सटी आ जाएगा, ये आएगा टू वी बाय जी ऐसे कैसा। यहाँ 30 डिग्री पुट करेंगे 60 बनेगा, साइन 60 इज रूट थ्री बाय टू, ये कटेगा फिर ये कहाँ हुआ, वो तो अलग है। हाँ मतलब अलग अलग आया ना, क्या मल्टीपल तो आया, अलग तो आया ना, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि जब एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा होगा उस केस में रेंज तो सेम होगी बट टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी डिफरेंट। आप सिमिलरली निकालें एच मैक्स, एच मैक्स इन केस वन, एच मैक्स इन केस टू बराबर आएंगे या अलग अलग आएंगे। हाँ वही सेम ले लो, वी जी रखो और ये वो ले लो। बीस के बाद फोर जी आया आपका, जी आ रहा है। एच मैक्स का फॉर्मूला आपका रहेगा एच मैक्स इज वी स्क्वायर साइन थीटा बाय टू जी, अगर 30 डिग्री पुट करेंगे तो हाफ आएगा तो ये वी स्क्वायर बाय फोर जी आएगा फॉर्मूला। ये यहाँ साइन स्क्वायर नहीं है, है क्या साइन स्क्वायर, ठीक है साइन स्क्वायर है तो आपका 1 बाय 2 का स्क्वायर 1 बाय 4 हो जाएगा तो ये 1 बाय 8 आएगा। समझ में आया, ठीक है तो एच मैक्स इस केस में आ गया v स्क्वायर बाय 8 जी। सेकंड में निकालें सी बाय सबका यही आ रहा है तो आपका एच मैक्स भी अलग अलग आ गया। तो ये स्पेशल केस है, याद रखेंगे जब एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा पे रखेंगे कीपिंग वेलोसिटी सेम, ध्यान रखना हमने वी सेम रखी है। व्हेन वी प्रोजेक्ट अ बॉल एट एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा कीपिंग वेलोसिटी कांस्टेंट देयर रेंज विल बी सेम बट टाइम ऑफ फ्लाइट एंड एच मैक्स विल बी डिफरेंट। अब मुझे ये बता दो कि कौन से केस में, चलो वो कहना आसान नहीं है, ठीक है इतना ही करते हैं, डन। नोट डाउन कर लिया, एक और स्पेशल केस करते हैं जिसमें, हाँ जी हो गया ठीक है इतना करते हैं, थैंक यू।